हाय एवरीवन, मैं इसलिए तो कैसे मैं मेकअप करके बैठी हूँ थोड़े वास्ते और मैं वीडियो बनाने लगी हूँ. सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लिप लाइनर्स के बारे में. आज सिर्फ लिप लाइनर्स के बारे में गल्ला करांगे और मैं तुम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स दसांगी जो मैं यूज करती हूँ रेगुलर बेसिस दे विच. मेरे सारे असिस्टेंट मेकअप्स जिन्ने भी होंगे मेरे बच्चे करते हैं वो भी यही यूज करते हैं, इवन कि मैं भी यही यूज करती हूँ फॉर माई क्लाइंट्स. बजट फ्रेंडली भी ने. मैं सिर्फ सिर्फ ब्रांड्स दसांगी जो कि तुम यूज कर सकते हो. क्वालिटी इन्हों की अमेजिंग है. कोई भी तुम इन ब्रांड बाय कर सकते हो मार्केट जो जाके और डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने शेड जरूर ट्राई करना. कुछ लिप लाइनर्स तुम नायका से मिल जाएंगे, कुछ उन्होंने अपनी साइट्स से मिलेंगे, कुछ लिप लाइनर्स तुम मनी राम से मिल जाएंगे और होर भी बहुत सारे स्टोर्स जिससे बाय कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करें. सबसे पहला ब्रांड जो मैं तुम सारा दसना चाहती थी वह है मास कॉस्मेटिक. सो क्यों अच्छा है? एक तो बजट फ्रेंडली है, सब तो इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये 100 रुपीज़ देर तो भी नीचे होएगा. इन्हों का सारे का बजट असी ट्राई करांगे जिदा जिदा ना असी बना रहे वीडियोज उदा उदा सानू भी समझ आ रही है क्लाइंट्स नू मतलब साडे व्यूअर्स नू किद्दां चाहिए. तुहानू एक चाहिए है लिंक्स दस दो, एक तुहानू चाहिए उन्हां दा प्राइस दस दो. एक कई बार मैं नाम दसना भूल जाती हाँ तो मैं अपने जोश में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दें प्रोडक्ट का नाम नहीं दसती, सो उहदा नाम भी मैनशन करांगे. ये छोटी छोटी चीज़ा मैनू भी सीखने मिल रही थोड़े नाल नाल. सो पहले मैं दस दवा दिस इज़ फ्रॉम मार्स. ये पूरी किट आती है विच इज़ वेरी रीजनेबल. आई थिंक ये 100 रुपीज़ तो भी थले आता है जो मैं गलत नहीं हाँ. पहले तो मेरा टेक्सचर दिखाना चाहिए. यहाँ ना नंबर 2 असी बहुत यूज किया, दैट इज 02. लेट मी जस्ट सी अगर मैं रंग मिल जाऊगा. ओके 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 ओके. सो मैं कलर तुम सारे दिखाऊंगी. सी द टेक्सचर. ये जिन्हें भी लिप लाइनर्स है ना, यू डोंट रिक्वायर एनी लिप बाम नीचे. ये डायरेक्टली लिप लाइनर्स ईजीली थोड़े लिप्स से ग्लाइड करते हैं. तुहानू बिल्कुल भी लिप बाम लगाने की लोड़ नहीं पैंदी. कई बार होंदा ना कि हाँ भी लिपर्स लगते ही नहीं, तुहानू बहुत ज़्यादा दम लगाना पैंदा. सो ये सारे जिन्हें भी रेंज दसूंगी सारी बहुत क्रीमी है. सो ए वाली जी रेंज है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. ये हैगा 02 नंबर जो मैं एक्सट्रीम लैवल से यूज़ किया है. बट ये होर भी बहुत सारे शेड्स हैं जो असं यूज़ करते हैं. मैं लिप लाइनर्स जिन्हें भी यूज़ करते हैं थोड़ा जहाँ डीपर ब्राउन या लाइट थोड़ा या लाइट एक्सट्रीम लाइट तो थोड़ा डार्क यूज़ करते बिकॉज लिपर्स जो अंदर असं फील करते हैं थोड़े लाइटर शेड्स यूज़ करते हैं. सो दिस इज अमेजिंग अमेजिंग ब्राउन शेड. ये हैगा नंबर 2 फ्रॉम मार्स. यदा होर भी जाके साइट दे विच देखो तुहानू बहुत सारे शेड्स मिलेंगे तुसी बाय कर सकते हो. तुसी बस क्वालिटी देखो. दिस इज 02. सो गाइज दूसरा जो मैं लिप लाइनर तुम दसन वाली है मैं बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. ये पेंसिल मैं इनिया खत्म की दस नहीं सकती. सो दिस इज़ फ्रॉम रिकोड. इन्हों की पेंसिल्स आई पेंसिल्स अमेजिंग है सारा कुछ. पर यह जो शेड सब तो ज़्यादा यूज़ किया डैट इज 05. तो मैं तुम दिखा दें शेड भी एक बार. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्राउन. बहुत एक्सट्रीम डार्क भी नहीं, एक्सट्रीम लाइट भी नहीं. मैं लगता इट्स अ परफेक्ट शेड जो भी इंडियन स्किन टोन्स है सारे तो जाता है. मेरे लिए तो बहुत सोहना वर्क करता. मैं ब्राइट्स से सारे के उपर यही वाला लिप लाइनर लगाने में लिपस्टिक ला दी अलग अलग रंग की. ठीक है. सो इट्स एन अमेजिंग शेड एंड द शेड नंबर इज 05. ये बहुत सारे कलर्स आते हैं. तुम प्लीज़ जाके इन्हों की साइट देखो. यू विल गेट अमेजिंग वरायटी. उन्होंने जाके यू कैन चूज और तुम होर भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो. सो जो नेक्स्ट ब्रांड बहुत अच्छा कर रहा है दैट इज़ के ब्यूटी. यदि हर चीज़ बहुत सोहनी जा रही है जितना भी मैं सब कुछ यूज़ किया है. सो इन्हों की पेंसिल्स अमेजिंग है. जो मैं एक्चुअल कलर यूज़ करती हूँ ये भी बहुत सोहना ब्राउन शेड आता है दैट इज़ फेम. राइट फेम शेड आता है पर मेरे को हजे अवेलेबल नहीं है बिकॉज वह खत्म हो गया. असी स्टॉक लेके आ रहे हैं बट अज पेंसिलों वाली वीडियो बनानी सी. मैं यार आह वाला पेंसिल नहीं छोड़ सकते हजे. मैं तुम बस यदा टेक्सचर दिखा लगी हाँ. ये थोड़ा जहा लाइट कलर है बट ये फेम जोड़ा शेड है कुछ कुछ इन्ना वर्गा शेड है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्राउन शेड जो मैं तुम नाम दस रही. सारे नाम सुनो चंगी तरह. सो तुम वो वाला बाय कर सकते हो एंड दिस इज फ्रॉम के ब्यूटी. सो जो नेक्स्ट ब्रांड बताने वाली हूँ जो तो आया है मैंने लगता है सारिया पेंसिलों एक साइड पर रखे है और सिर्फ एक ही लिप लाइनर यूज कर रही हूँ और मैं खत्म कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट. दिस इज 6 नंबर. ये हैगा फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी. अमेजिंग लिप लाइनर. सब तो अच्छी चीज़ मैंने ये लगी इन्हों शॉप नहीं करना पैंता यार. मेहनत घट. ठीक है. इदा रोटेटर चलता है जो कि खत्म हो चुका है. ये शेड दिखाना चाहती सी मैं. सी जबरदस्ती कटांगे
देखो ये बहुत सोना ब्राउन शेड है, ये गोरियां ते भी लगता है, यू नो आपा एदा लिप लाइन कर लोगे, इट्स एन अमेजिंग ब्राउन शेड। बस ये खत्म हो चुका है, तुझे देखो हुने हुने आया एंड सो वो मैं अपनी इंस्टाग्राम ते भी पाया सीगा, ये बहुत सोना कलर है। और यदि मैं एक होर कलर दिखा रही हूँ, दैट इज 12 नंबर, क्योंकि ये मंगवाया होया है, जो आऊगा उस तो पहले पहले मैं एक होर नंबर दिखा रही, दिस इज 12 नंबर इसी ब्रांड का। मैं सिर्फ तुम्हें एक टेक्सचर दिखाना चाहती थी कि थोड़ा इट इज मोर टूवर्ड्स पिंक 12 नंबर यदा, बट ये अमेजिंग लिप लाइनर्स है फ्रॉम क्यू टी ब्यूटी। सो जो नेक्स्ट शेड बता रही हूँ, दिस इज फ्रॉम अनाइका, इसका शेड का जो नेम है दैट इज पिलो फाइट। अच्छा पिलो दे नाल की कहते हैं सराने लड़ाई, ठीक है चलो पंजाबी च कितना फनी बन जाता कई चीज़ा। ओके सो आ देखो इट्स मोर टूवर्ड्स पिंक, बट यदा टेक्सचर भी बहुत सोहना है, तो तुम ये भी लिप लाइनर ले सकते हो। ये बहुत अच्छा लिप्स से लगता है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता थोड़े लिप्स, वैसे इन्हें कोई भी ड्राई नहीं करता यार, मैं सारियाँ बेस्ट दस रही हूँ, क्योंकि लोग कहते एक ले लो दो ले लो, बट देर आर सो मेनी ब्रांड्स जितने जो मिलता है ले लो, बट ये कुछ ब्रांड्स मैं तुम दस रही हूँ जो कि बहुत अमेजिंग है, उन्होंने एक आ भी है नाइका। सो जो नेक्स्ट लिप लाइनर मैं तुम दिखाने लगी हाँ, इधर जो आज शेड दिखा रही हूँ ये बहुत फेयर लोगों चल जाता है, ये डीप कलर भी आता है, वो मैं मैनशन कर दाँगी नीचे वह शेड। दिस इज फ्रॉम वेट इन इटली। सो इदा का असी लाइव किया, इन्ह लिप लाइनरस अमेजिंग है, ये वाला शेड हैगा 4 नंबर। सो मैं एक लाइट ब्राउन भी तुम थोड़ा सा दिखाना चाहनी हूँ, जो कि फेयर कॉम्प्लेक्शन से अच्छा चलता है। सी इट्स सुपर क्रीमी, सी द शेड, इवन दिस इज रियली नाइस शेड फॉर फेयर कॉम्प्लेक्शन, जिन्होंने थोड़ा लिप लाइन डार्क करना चाहते हैं एंड गोइंग विद लिपर लिपर लाइट शेड का, उन्होंने वास्ते बहुत अच्छा है। ये बहुत क्रीमी है, इन्हों साइड से ही मिलता है यार, दैट द पॉइंट। सो तुसी ये भी बाय कर सकते हो, दिस इज फ्रॉम वेटन इटली। सो गाइज जो नेक्स्ट पेंसिल तुम दिखा रही हूँ, दिस इज अगेन फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी, ने दो रेंज आती है, वन इज रोटेटिंग वन, हम दूसरी आ गई है पेंसिल शॉप करने वाली, ठीक है। सो मैं आ कलर लगा दिता हुआ है, एक बार दोबारा दिखानी हूँ, मेरी पहले रिकॉर्डिंग नहीं हुई सी जब ना, ओके सी। सो ये भी बहुत बहुत क्रीमी है और शेड हैगा 11, इट्स अ ब्यूटिफुल डार्क ब्राउन शेड। सो गाइस नेक्स्ट पेंसिल नहीं पेंसिल पेंसिल नेक्स्ट जेडी पेंसिल तुम सारे दिखा रही हूँ, ये लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है, ये हैगा शेड मोका, ये देखो खा गियां ये बच्चा कुचिया माल दिखाने लगे तुम, ये इन्नी यूज की है कि कई बार मिलती है सू कई बार मिलती नहीं है। इवन दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्राउन शेड, तुम सारे बोलोगे मैं ब्राउन ब्राउन ही दिखाई जा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल तो असं ब्राउन ज़्यादा यूज़ करते, पिंक घट यूज़ करते हैं। सो ये भी बहुत सोहना ब्राउन शेड हैगा, एंड यह है मनीष मल्होत्रा माई ग्लैम तो, एंड द शेड इज मौका, मौके पर मार चौका। ओके गाइज सो कुछ लिप लाइनर्स हैं जो तुम बाय कर सकते हो, दे आर वेरी वेरी बजट फ्रेंडली, कुछ एक्सट्रीमली बजट फ्रेंडली ने, बहुत ही रीजनेबल ने। सो जाके सर्च करो, कुछ मैं तुम अपने फेवरेट शेड नंबर्स दस दिते जो कि ज़्यादातर ब्राउन ने। सो लिप लाइनर ज़्यादा चाहिए होंगे तुम मेहरून, डार्क ब्राउन, सॉफ्ट पिंक, बस होर कि लिप लाइनर चाहिए, फिर तो लिपस्टिका ही चाहिए। अगली आ रही है तो वीडियो लैके लिपस्टिक्स के बारे, अपने हाई एंड लिपस्टिक्स। सो स्टे ट्यून गाइस, टिल देन एंजॉय। नहीं नहीं एंड कर लें दो, एंड कर लें दो, की बोलने का सी, की बोलने मेरे को सब्सक्राइब बोलने। सो गाइस तानू अगर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगी है तो तुसी साड़ी वीडियो नू लाइक करो, साड़े चैनल नू होर ज्यादा सब्सक्राइब करो, ते ज्यादा तो ज्यादा शेयर करो ताकि होर भी लोगों को पता चल सके। टिल देन बाय, लव यू ऑल।